मोदी सरकार और भाजपा देश भर में 9 साल पूर्ण होने का जश्न मना रही है। मोदी के मंत्री आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा किए गए काम गिनाएंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला करते हुए महंगाई जीएसटी के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 9 सालों में जानलेवा महंगाई भाजपा ने लूटी जनता की कमाई, हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, बिगड़ा बजट, जीना दुश्वार। हंकारी दावे, महंगाई तो दिखती नहीं, या ये महंगी चीजें हम खाते ही नहीं। अच्छे दिनों से अमृतकाल की यात्रा, महंगाई से जनलूट की बढ़ती गई मात्रा। खरगे ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर की। इसमें रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, चावल, सरसों तेल, घी, दूध, दाल, आदि के दामों की तुलना कांग्रेस राज्य में इन वस्तुओं के दामों से की। इसमें कहा कि महंगाई का विकास लगातार जारी, 9 साल के अच्छे दिन देश पर भारी।